नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण के साथ सटीक और प्रमाणिक जानकारियों से आपको रूबरू कराने का हमने एक प्रयास शुरू किया है। वैसी तमाम जानकारी जिसका आपसे वास्ता है, मुद्दे जो कहीं गुम हो गए हैं, हम लाएंगे इतिहास के पन्नों से, समाज के अंधियारों से और खबरों की भीड़ से। तो देर किस बात की, हमारा वीडियो विश्लेषण नियमित रूप से देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वेबसाइट पर खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से केकेएन लाइव का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां मिलेगा खबरों की खबर, लीक से हटकर खबर। हमारा आज का वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस वक्त पूरा देश गुस्से में। कठुआ और उन्नाव की शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भारत के अतिरिक्त दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। सरकारें सकते में हैं और राजनीति का रंग पूरे सभा पर है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को। हम पड़ताल करेंगे इसके कारणों का और हम यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश को क्या हो गया। महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करने वाली मानसिकता इतनी खोखली क्यों हो गई? एक बेटी जो पूरे गांव की बेटी होती थी और एक बहन जिसको पूरा गांव अपना बहन समझता था, आज हमारी यह सोच, हमारी यह संस्कृति कहां और कैसे गुम हो गई? यह एक गंभीर विषय है और आज हम इसी विषय की पड़ताल करेंगे। दरअसल उन्नाव और कठुआ में हुए रेप की घटना ने एक बार फिर से पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इससे पहले वर्ष 2012 के दिसंबर महीने में दिल्ली में हुए निर्भया रेप के समय भी देश का आक्रोश फूट पड़ा था। निर्भया कांड के बाद के वर्षों में रेप से जुड़े कानून को सख्त भी किया गया। इसके बावजूद देश भर में रेप के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चलें कि कई राज्यों ने रेप के दोषियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान तक कर दिया है। अब केंद्र की सरकार भी नाबालिग से रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करने की तैयारी में जुटी है। बावजूद इसके रेप की घटनाएं कम होने की जगह और बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है और आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2012 में दिल्ली के निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के बाद कानून के सख्त होने के बावजूद भी रेप के मामले में कोई कमी नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में रेप के मामलों में 2012 के बाद बढ़ोतरी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि हालिया दिनों में रेप की शिकार होने वालों में कम उम्र के बच्चों की तादाद में अप्रत्याशित वृद्धि हो गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में प्रतिदिन 100 से अधिक महिलाएं बलात्कार की शिकार हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2016 में देश भर में महिलाओं के साथ रेप के 38,947 मामले सामने आए, मतलब हर रोज औसत 107 महिलाएं रेप की शिकार हुई, जबकि 2014 में यह औसत 90 के करीब था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में 33,707 महिलाएं रेप की शिकार हुई, जबकि वर्ष 2012 में 24,930 महिलाएं रेप की शिकार हुई थी। यानी निर्भया की घटना के बाद बलात्कार का ग्राफ घटने की जगह और बढ़ जाना हमें चौंका देता है। हालिया दिनों में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले काफी बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक देश में हर रोज 290 बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो जा रहे हैं। बताते चलें कि 2014 में बच्चों के साथ हुए यौन अपराध के कुल 79,423 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2015 में यह बढ़कर 94,172 हो गया। वहीं वर्ष 2016 में यही आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें करीब 60% मामले अप्राकृतिक यौन अपराध से जुड़ा हुआ है, जो हमारे घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए काफी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में अप्राकृतिक यौन अपराध में 60% पीड़ित बच्चे थे। यहां आपको बताना जरूरी है कि दिल्ली जैसे शहरों में जिस साल निर्भया के साथ जघन्य बलात्कार का मामला प्रकाश में
आया था उसी साल यानी वर्ष 2012 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में महिलाओं की अस्मत को तार तार करने के 24,923 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद सरकार ने पास्को एक्ट सहित कई कठोर कानून बनाए और निर्भया फंड की भी स्थापना की गई। बावजूद इसके अगले ही वर्ष यानी वर्ष 2013 में 33,707 महिलाएं बलात्कार के शिकार हो गई, जो वास्तव में चौंकाने वाला ग्राफ है। हद तो ये कि वर्ष 2014 में बलात्कार के मामले बढ़कर 36,707 तक पहुंच गई और बलात्कार पीड़ितों की संख्या में इसके बाद भी निरंतर बढ़ोतरी जारी रहना सभ्य समाज के लिए चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। दरअसल यह ग्राफ हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, मतलब बदला कुछ नहीं बल्कि हालात और भी भयावह होते चले। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इस सवाल को समझने के लिए एसोचैम की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर गौर करना यहां जरूरी हो गया। एसोचैम की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 15 साल उम्र तक के 73% बच्चे इंटरनेट की लत के शिकार हो चुके हैं और यह आंकड़ा अब और तेजी से बढ़ रहा है। कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी फोन पर इंटरनेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि इन बच्चों की सामाजिक दुनिया इंटरनेट तक ही सिमटने लगी। इससे सामाजिक संबंधों के बिखरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इंटरनेट का सर्च इंजन उसे किस दुनिया से रूबरू करा रहा है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि इंटरनेट पर सामाजिक संबंध और मर्यादाओं को तार तार करने वाली अश्लील साइट आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो हमारे बच्चे या यूं कहें कि पूरे समाज को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। इसके अतिरिक्त और भी कई गंभीर कारण हैं। कहते हैं कि कुदरत ने मानव जीवन के निरंतरता हेतु जनन तंत्र के आधार पर नर और नारी की शारीरिक रचनाओं में मामूली भिन्नताएं कर दी। आदिम काल में स्वच्छंद रहने वाला नर और नारी बाद के दिनों में सभ्यता के विकास के साथ ही आपसी समझौते के बंधन में बंधते चले गए और कालांतर में यही समझौता विवाह का रूप धारण करने लगा। दरअसल नर और नारी का मिलन आसक्ति नहीं बल्कि नियति है। आवश्यकता है एक दूसरे की जरूरत को समझने की, या यूं कहें एक दूसरे की पूरक बनने की। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। बावजूद इसके एक और जहां सभ्यता के नाम पर हमने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग कर दिया, वहीं विकासवाद की अंध दौड़ से उपजी बाजारवाद में उसे स्त्री को वस्तु की तरह परोसकर पुरुषों के मन में स्त्री को सिर्फ और सिर्फ एक देह बनाकर रख दिया। या यूं कहें कि मौजूदा बाजारवाद में पुरुष मानसिकता को लीज लिजाने के लिए विवश कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक गहरी साजिश के तहत स्त्री के मन में पुरुषों के प्रति घृणा बढ़ने दिया गया, बल्कि स्त्रियों के मन में बैठा दिया गया कि पुरुष यानी नारी देह का शोषण करने वाला। यह कितना दुखद पहलू है कि कुदरत ने जहां नर और नारी को एक दूसरे का पूरक बनाया, वहीं विकासवाद के नाम पर आज हम दोनों को लड़ा रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और बलात्कार जैसे घृणित कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा समाज में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। महिला पुरुष से और पुरुष को महिला से भय लगने लगा। कहते हैं कठोर कानून से अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु इस भय के माहौल को दूर करने के लिए स्त्री और पुरुष को स्वयं ही मिलकर प्रयास करना होगा। वह भी वक्त रहते, क्योंकि वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण पसंद आया होगा, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरों की खबर, लीक से हटकर खबर, केकेएन लाइव यानी भरोसा सभी का। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आभार और अभिनंदन के साथ आपसे विदा चाहता हूं।